नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर सेकंड, जहां पे एक तरफ होगी कराची किंग्स की टीम और दूसरी तरफ होगी पेशावर जालमी की टीम। और ये मैच खेला जाएगा कराची के स्टेडियम पे और ये मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। अब कैसे आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाएंगे, क्या कुछ आपको करना है, पिच जो कराची स्टेडियम रहती है, जो कराची की वेन्यू रहती है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, 6 ओवर्स का पावर प्ले कैसे घट सकता है, पहले क्या हुआ, इस मैच में क्या हो सकता है, इन सभी चीजों पे डीप एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटे के जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करोगे, बेल आइकन रहेगा उस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपको लाइक करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। इतना डीप एनालिसिस होता है, एक वीडियो बनाने में कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो लाइक करके आगे बढ़िएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सारे लोग कर लीजिए भाई, बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो भी अपडेट्स आती है टॉस के बाद वो सारी आपको यहां पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू को लेके। वेन्यू रहेगा नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला जाएगा। अगर हम लोग पिच कंडीशंस को लेके बात करते हैं तो देखिएगा जो कराची की वेन्यू रहती है वो बैटिंग को थोड़ा सा सपोर्ट करती है, फ्लैट वेन्यू रहती है और अभी रिसेंट में आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्रेश विकेट है, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगी। जी हाँ, बैट्समैन के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगी, ये चीज ध्यान में रखेंगे। बाकी इनिशियल ओवर स्टार्टिंग के ओवर में शायद जो पेसर्स हैं उनको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले, स्टार्टिंग के ओवर में है वो पेसर्स को शायद थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले, बाकी मुझे लगता है फ्लैट विकेट रहनी चाहिए। गेम चलते चलते सेकंड इनिंग्स में शायद स्पिनर्स गेम में आए, बट ये पहला मैच है तो उतना ज्यादा शायद स्पिन को है वो बेनिफिट देखने को ना मिले। बाकी बैट्समैन यहां पर अच्छा कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा बैट्समैन यहां पर अच्छा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 49 मैचेस खेले जा चुके हैं, 17 बैटिंग फर्स्ट ने और 32 चेजिंग करने वाली टीम ने, सीधा सीधा आपको ये बड़ा गैप दिख रहा है कि चेजिंग करने वाली टीम को कहीं ना कहीं एडवांटेज दिखा है। 172 का एवरेज स्कोर है, 172 का एवरेज स्कोर है, यहां से देखोगे 150 से नीचे का स्कोर 12 टाइम्स बना है, 150 से 169 9 टाइम्स, 170 189 12 टाइम्स, लेकिन सबसे जो बड़ा नंबर आपको दिखेगा वो दिखेगा 190 प्लस का स्कोर बना है 16 मरतबा, यानी कि ये जो 49 मैचेस खेले गए हैं इनमें जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो 190 प्लस का आ रहा है, कि 190 प्लस है अब वो सबसे ज्यादा बार स्कोरिंग हुई है, तो ये भी मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितनी बढ़िया विकेट ये हो सकती है। अब रिसेंट में जो मैचेस खेले गए हैं, ये सितंबर में मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंग्लैंड, यहां पर देखोगे 166 पाकिस्तान ने किए, इंग्लैंड चेस नहीं कर पाया, पेसर्स को 9 स्पिनर्स को 4 विकेट यहां पर मिली थी। यहां पर देखोगे 23 सितंबर को इंग्लैंड ने 221 किए और पाकिस्तान केवल 128 रन बना पाया, पेसर्स को 6 स्पिनर्स को 4। यहां पे देखोगे इंग्लैंड ने 199 कर दिए और पाकिस्तान की टीम ने चेस कर लिया 203 कर दिए, पेसर्स को 4 स्पिनर्स को 1। ओवरऑल देखोगे भाई तो सीधी सी बात है, स्कोरिंग देख सकते हो 166 221 199, तो अगर बढ़िया टीम में है तो 190 तक पहुंच सकती है, अगर बढ़िया टीम में है, बढ़िया बैट्समैन है, क्वालिटी बैट्समैन है तो 190 तक जा सकता है। अगर बड़ा स्कोर बन रहा है तो उसको चेजिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज 160-70 वाला गेम है वो यहां पे चेज हो जाता है, 160-70 वाला गेम है वो चेज हो जाता है, बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं 199 भी चेज हुए हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल देखोगे यहां पे 14 विकेट्स गिरी, यहां पे 11 विकेट्स गिरी, यहां पे 5 विकेट्स गिरी, तो इन तीनों मैचेस में अगर विकेट्स का रेशियो देखोगे वो थोड़ा सा कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 गेंदबाज के साथ जा सकते हो, बाकी मुझे लगता है कि बैट्समैन को आप टारगेट कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा बैट्समैन को टारगेट कर सकते हो, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी स्पिनर्स ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की है, 4 विकेट यहां 4 विकेट यहां, लेकिन यहां पे 1 विकेट गिरा, बिकॉज यहां पे ज्यादा नंबर्स नहीं है विकेट्स के। हेड टू हेड की बात करते हैं,
ये 13 फरवरी 2022 का मैच है। पेशावर ने 193 कर दिए, कराची चेस नहीं कर पाया था। यहां पे आप देखोगे तो एक तो मोहम्मद रिजवान थे, सॉरी मोहम्मद हारिस थे, 49 मोहम्मद हारिस ने कर दिए थे। वहाब रियाज को यहां पे 2 विकेट मिला था और सलमान इरशद को यहां पे 2 विकेट मिले थे। सरजील खान फ्लोप थे, आमिर यामिन फ्लोप थे, इमाद वसीम फ्लोप थे, कशीम अकरम फ्लोप थे। यहां पे देखोगे तो पेशावर ने 173 किए और कराची चेस नहीं कर पाया। उस्मान कादिर का देखोगे तो उस्मान कादिर को यहां पे 1 विकेट मिली थी। वहाब रियाज फ्लोप रहे थे, बाकी सरजील फ्लोप थे, आमिर यामिन फ्लोप थे, इमाद वसीम फ्लोप थे। ध्यान में रखिएगा स्टैट्स को, ये स्टैट जो मैं आपको बता रहा हूं, फोकस करना क्या क्या आ रहा है। यहां पे भी देखोगे कराची ने 175 के पेशावर जालमी ने चेस कर लिया था। यहां पे देखोगे तो सरजील खान आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्लोप रहे थे, लेकिन आप इसको बेहतर भी नहीं बोल सकते हो, एवरेज बोल सकते हो, 27 रन कर दिए थे। उसके अलावा इमाद वसीम यहां पे भी फ्लोप थे, मोहम्मद आमिर भी यहां पे फ्लोप थे। यहां पे देखोगे पेशावर जालमी की तरफ से वहाब रियाज को है वो 2 विकेट मिली थी। अब जब आप इन मैचेस को ओवरऑल देखोगे तो आपको क्या देखने को मिला, तीनों ही मैचेस में यहां पे पेशावर जालमी ने अच्छा किया, तीनों ही मैचेस में कराची को हार मिली। तो कराची के सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा पलड़ा है वो जालमी का रह सकता है। कुछ खिलाड़ी है लाइक इमाद वसीम, काफी लोग इनको सीवीसी करके चलेंगे, लेकिन लगातार आप देख सकते हो कि यहां पे आपको फ्लोप देखने को मिले हैं। सरजील खान आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं, बट इनके भी कुछ नंबर्स इन तीनों मैचेस में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो यह चीज ध्यान में रखिएगा जब आप लेते हैं। कल मैंने आपको डेविड विजय को लेकर भी बोला था कि कोई प्लेयर अच्छा करके आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीवीसी कर दो। सबके इनिंग्स वापस जीरो से ही स्टार्ट होती है, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ये चीज आपको जानना जरूरी है, और वो क्यों नहीं कर सकते इसके लिए वीडियो बनाया जाता है। तो देखोगे बेनिफिट मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा यहां पे 6 ओवर्स के पावर प्ले में क्या होता है। 6 ओवर्स का पावर प्ले, वेन्यू है नेशनल कराची स्टेडियम, कराची में मैच खेला जाएगा। ये आप बोल सकते हो पहला मैच। यहां पे देखोगे पावर प्ले में 52 रन बने और एक भी विकेट नहीं गया फर्स्ट इनिंग्स में। यहां पे सेकंड इनिंग्स में 50 पे 3 विकेट चले गए सेकंड बैट करते हुए, तो थोड़ी सी सेकंड इनिंग्स खराब रही। ये दूसरा मैच आप बोल सकते हो 57 पे 1 था फर्स्ट इनिंग्स में 6 ओवर्स के पावर प्ले में, लेकिन चेजिंग करते वक्त देखिए 29 रन पे 4 विकेट गिर गए 6 ओवर्स के पावर प्ले में। ये तीसरा मैच यहां पे 48 पे 2 विकेट गवा दिए थे फर्स्ट बैटिंग ने और 59 रन पे 0 विकेट थी सेकंड बैटिंग की। चौथा मैच देखोगे तो 44 पे 0 विकेट फर्स्ट बैटिंग में 6 ओवर में, लेकिन चेजिंग करते समय 74 रन्स, काफी रन्स के नंबर ज्यादा थे, बट 1 विकेट खो दिया था सेकंड बैट में। यहां पे देखोगे ये आप बोल सकते हो फिफ्थ, जहां पे 53 रन पे 0 विकेट थी इन 6 ओवर्स के पावर प्ले फर्स्ट बैटिंग करते हुए, लेकिन चेजिंग करते हुए देखिए 35 पे 2 विकेट यहां पे भी गवा दी सेकंड इनिंग्स में। यहां पे 6 मैच में देखोगे 61 पर 0 इन 6 ओवर्स पावर प्ले, यहां पे विकेट नहीं खोई 57 पे 0, हालांकि 4 रन्स नीचे कम रह गए थे, बाकी यहां पे विकेट्स नहीं खोई थी। अब इन 6 मैचेस के माध्यम से आपको क्या देखने को मिला, ये बताइए आपके लिए क्यों रखा जाता है। हालांकि कोई रखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि टाइम लगता है निकालने में, तो इसका मुझे समझाने का एक ही चीज है कि जब आप इन 6 इनिंग्स को देखोगे, 6 मैच में 12 इनिंग्स होती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप कंपेयर करोगे, प्लस माइनस करोगे, तो 12 इनिंग्स होती है। 12 इनिंग्स में यहां पे देखोगे फर्स्ट इनिंग्स बढ़िया रही, सेकंड में विकेट, यहां पे भी सेकंड में विकेट ज्यादा गिरे, यहां पे आप अफकोर्स बोल सकते हो नहीं, लेकिन यहां पे भी सेकंड्स में विकेट गिरी, यहां पे सेकंड्स में ज्यादा। तो यहां पे जो टीम चेस कर रही है वो अच्छा कर रही है, आप वहां पे नंबर देखोगे, लेकिन यहां पे पावर प्ले में थोड़ी सी फंस रही है, पावर प्ले में विकेट्स जा रही है किसकी, जो टीम चेस कर रही है। ध्यान में रखिएगा पहली करने वाली टीम ने अच्छा किया, केवल आप इस एक मैच को ड्रॉप कर दो जहां पे 48 रन पे 2 विकेट थे, या फिर आप देखोगे बाकी सब बढ़िया थे, एक मैच को छोड़ दो तो यहां पे सभी फर्स्ट इनिंग्स का 6 ओवर्स का पावर प्ले है वो काफी बढ़िया रहा। अब आप किस टीम के ओपनर्स लेते हो, किसके ड्रॉप करने, आई होप आपको यहां से समझ आएगा। दूसरी चीज यहां पे देखोगे 12 इनिंग्स में से एक यहां पे 2, 3, 4, 5, 6 12 में से 6 इनिंग्स ऐसी है जहां पे 6 ओवर्स के पावर प्ले में विकेट नहीं गई। इसका मतलब सीधा सीधा आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि भाई बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है, बैट्समैन है वो यहां पे अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इस बात पे आप लोग लाइक कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाबर आजम, मोहम्मद हारिश है, टॉम कोहलर कैडमोर, भानुका राजपक्सा, हरीश सोहिल है, जिमी निशम है, आमिर जमल है, उसके बाद देखोगे वहाब रियाज, अरशद इकबाल है, उस्मान कादिर है, मुजीब रहमान है। अरशद इकबाल आपको डेथ में दिख सकते हैं और यहां पे वहाब रियाज है, वो आपको डेथ में दिख सकते हैं। अब जिमी निशम कितने ओवर्स डालते हैं, देखिए रहमान पूरे ओवर डाल सकते हैं, उस्मान कादिर के पूरे ओवर डालने के चांसेस है, अरशद इकबाल पूरे, वहाब रियाज पूरे, तो ये चार तो यहां पर आपको पूरे दिख रहे हैं जो ओवर डाल सकते हैं। अब आमिर जमल राइट हैंड मीडियम फास्ट करते हैं, तो अगर ये दो ओवर भी डालेंगे तो वहां पर जिमी निशम के कम से कम दो ओवर कट जाते हैं। तो जिमी निशम को क्या लेना चाहिए उस कंडीशन में बताएंगे। चलिए फुल स्टैट्स पर चलते हैं, वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले बाबर आजम का नाम आता है, 60 का एवरेज है कराची के वेन्यू पे, क्यों नहीं होगा, फ्लैट विकेट है। उसके अलावा देखोगे हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखना, आप ये तीन मैच में फ्लोप रहे, एक में एवरेज रहे, एक में अच्छा किया है, तो टी20 क्रिकेट उतना बाबर आजम के लिए रहा नहीं था। टी20 वर्ल्ड कप भी आपने देखा होगा, बाबर आजम के लिए उतना खास रहा नहीं था, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, मैक्सिमम लोग इनको कैप्टनसी देके जाएंगे। हाँ अगर आप कुछ अलग करना चाहो तो कैप्टनसी से ड्रॉप कर सकते हो, इसके चांसेस ये रहते हैं। बाकी वेन्यू अच्छा है तो मैं उतना नहीं बोलूंगा, अगर वेन्यू थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो मैं आपको बोलता कि आप ड्रॉप भी कर सकते हो। मोहम्मद हारिस वेन्यू पे नहीं है, एक मैच में 49 रन के, रिसेंट फॉर्म देखोगे पांच में से दो मैच में इन्होंने अच्छा किया है और वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया था मोहम्मद हारिस ने। विकेट कीपिंग भी करते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, जब चार्जिंग करती है दोनों के साथ जा सकते हो, फर्स्ट इनिंग्स में ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो। उसके अलावा कैडमोर को मैं लूंगा, पांच मैच में 26 का एवरेज, एक मैच में 10 रन के, रिसेंट फॉर्म देखोगे जो अभी इंटरनेशनल टी20 लीग चल रही थी वहां पे कैडमोर ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किए। तो कैडमोर अगर आप चाहो तो, अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है, बाबर आजम की जगह कैडमोर को आप कैप्टनसी भी दे सकते हो। ये थोड़ा सा अमोंग द ग्राउंड खेलना पसंद करते हैं, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहता है, इनको स्ट्राइक रेट के प्लस पॉइंट मिलते हैं। अगर ये 50 करेंगे, अगर ये 50 करेंगे, इनके 50 के 60 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन इनको 50 के 80 से 90 पॉइंट तक चले जाते हैं, ये डिफरेंस रहता है दोनों की बैटिंग में। भानुका राजपक्सा वेन्यू पे नहीं, हेड टू हेड में नहीं, रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना कुछ खास नहीं है, अटैकिंग प्लेयर है, श्रीलंकन के वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर है भानुका राजपक्सा, बट कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम इनके में रहती है। लेकिन ये कराची है, एशिया में लीग चल रही है, इनको आप बिग बैश में खिलाओगे ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन एशिया में हो रही है तो मुझे लगता है भानुका राजपक्सा आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकती है अगर लेना चाहो। देखिए चांसेस हिट एंड मिस वाला केस है, भानुका राजपक्सा का हिट एंड मिस वाला केस है। हरीश सोहिल है, दो मैच में 3.5 का एवरेज, तीन मैच में 17 का एवरेज है, हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म देखोगे तो हरीश सोहिल का लाजवाब है, 34, 39, 18, 52 और 47, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं। हरीश सोहिल फोकस करना इस प्लेयर पे, इस प्लेयर पे फोकस करना अगर कराची की टीम पहले बैटिंग कर रही है। उसके अलावा जिमी निशम, जी हाँ अभी जो साउथ अफ्रीकन लीग चल रही थी लास्ट के कुछ मैचेस में काफी बढ़िया किया, वेन्यू हेड टू हेड नहीं है, 19+1, 4+2, 22+3, 8+1, 0+2, ये साउथ अफ्रीकन टी20 लीग का है जो कि अभी खेल के आ रहे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत गेंदबाजी डेथ में भी कर रहे थे। अब कराची की टीम पहले बैटिंग कर रही है, मुझे लगता है आप चांस ले सकते हो जिमी निशम पे, लेकिन अगर कराची की अगर इनकी टीम जो पेशावर जलमी है, इनकी टीम अगर पहले बैटिंग करे तो ले सकते हो, अगर चेजिंग करे पहले बॉलिंग करे तो आप जिमी निशम ड्रॉप कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखिएगा। आमिर जमल है, वेन्यू पे नहीं, हेड टू हेड मैंने रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बैट हैंडल कर लेते हैं, वो चीज मैं आपको बोलूंगा ओवर्स कट सकते हैं अगर जिमी निशम की तरफ गए। वहाब रियाज लेके जाऊंगा, 17 में 19 है, 15 में 19 विकेट, हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म देखोगे लाजवाब है, बीपीएल खेल के आ रहे हैं, डेथ में गेंदबाजी करते हैं। अरशद इकबाल लेने लायक प्लेयर है, अरशद इकबाल 12 में 15 है, वेन्यू पे नहीं है, सॉरी हेड टू हेड में नहीं है, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो उतना खास नहीं है, लेकिन प्लेयर शानदार है अरशद इकबाल, तो अरशद इकबाल को आप स्मॉल लीग में ले सकते हो। उस्मान कादिर एक ऑप्शन है, 7 में 6 जो कि बिग बैश में भी खेलते हैं, 2 में यहां पे शायद नंबर स्काइब है, यहां पे देखोगे 2 विकेट, यहां पे 3 विकेट, यहां पे विकेटलेस है, तो जब विकेटलेस रहते हैं लेकिन जब विकेट निकाली है तो आप देख सकते हैं 2-3 थोड़ी सी बल्क में निकाली है। मुझे
चार मैच में दो विकेट और सामने वाली टीम में स्टार्टिंग में आपको दो लेफ्ट हैंडी दिख सकते हैं जहां पे मैथ्यू वेड है, जहां पे सरजील खान है, तो स्टार्टिंग में आपको दिख सकते हैं लेफ्ट हैंडी प्लेयर, तो वहां पे आपको मुजीब दिख सकते हैं। और मुजीब किसके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं? दोनों के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। हेड टू हेड में नहीं खेले हैं, रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना खास मुजीब का रहा नहीं है, लेकिन पूरे चार ओवर डालने के चांसेस इनके पास रहते हैं, वो एक बड़ा नंबर मुझे यहां से दिख रहा है। अब यहां पे सरफैर रदरफोर्ड भी है, शाकिब अल हसन को ऐड किया गया है अगर खेले, ध्यान में रखिएगा, सलमान इरशाद, रोमन पोवेल है, काफी बड़े बड़े नाम है, दानिश अजीज है, इनमें से अगर कोई खेले ध्यान रखना। यहां पे रदरफोर्ड भी रिसेंट में अच्छा करके आ रहे हैं इंटरनेशनल में, उसके अलावा देखोगे रोमन पोवेल अच्छा करके आ रहे हैं, शाकिब ने बीपीएल में काफी बढ़िया किया हुआ है। यहां पे आप देखोगे सुफियान नकीम, खुर्रम शहजाद, पैटर हेडजोगलू ध्यान में रखना। उसके अलावा देखोगे यहां पे कराची किंग्स की प्लेइंग 11 जहां पे मैथ्यू वेड और सरजील खान ये आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा हैदर अली का नाम आता है, शोएब मलिक का, कासिम अकरम का, आमिर यामिन का, जेम्स फुलर का, इमाद वसीम का, इमरान ताहिर का, मोहम्मद आमिर, एंड्रयू टाई, ये 11 है जहां पे आमिर और जो एंड्रयू टाई है वो आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं, या फिर जेम्स फुलर भी वहां पे आते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये पांच, और आमिर यामिन भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, तो आमिर यामिन एक ऑलराउंडर है आप बोल सकते हो, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पूरे ओवर्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, पूरे ओवर्स नहीं मिलेंगे, अगर डालेंगे तो एक या फिर दो ओवर है वो आमिर यामिन डाल सकते हैं, बट प्लेयर शानदार है ध्यान में रखिएगा अगर जीएल में एक आधे में ट्राई करना चाहो। मैथ्यू वेड वेन्यू पे नहीं है, हेड टू हेड में नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप देखोगे उतना कुछ खास रहे नहीं है मैथ्यू वेड के नंबर, ओपन करें ट्राई कर सकते हो बिकॉज कराची की वेन्यू है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सरजील खान है 17 में 29 का एवरेज है, हेड टू हेड में देखोगे 11 में 22 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे एक बड़ा नंबर है जहां पे हाफ सेंचुरी की, उसके अलावा कोई बड़ा नंबर्स नहीं है, तो सीधी सी बात है कंसिस्टेंसी में दिक्कत तो रहती है, लेकिन वेन्यू पे देखोगे 29 का एवरेज है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। हैदर अली देखोगे 14 में 20 का एवरेज इस वेन्यू पे है, हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे इनका भी उतना खास रहा नहीं है, T20 वर्ल्ड कप भी उतना कुछ खास रहा नहीं था। हैदर अली की परफॉर्मेंस दिन डे बाय डे है वो डाउन होती जा रही है, प्लेयर में कोई कमी नहीं है बट पता नहीं जिस तरीके से विराट कोहली के 1.5-2 साल खराब गए थे उसी तरीके से हैदर अली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप हैदर अली ले सकते हो, सरजील को ड्रॉप कर सकते हो बट सरजील थोड़ा सा कराची में खेले हुए हैं, यहां पे खेलते हैं। शोएब मलिक 14 में 33 का एवरेज वेन्यू पे, 9 में 37 का एवरेज हेड टू हेड में, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो 41 है, यहां पे 75 है, बीच में तीन थोड़े से फ्लोप रहे हैं बाकी मैं लेके जाऊंगा। कासिम अकरम है वेन्यू पे नहीं है, हेड टू हेड में एक मैच में एक विकेट है, 25+1 58+0, तो ये भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं कासिम अकरम, जी हाँ कसीम अकरम भी गेंदबाजी कर लेते हैं ये ध्यान में रखेगा, लेकिन पूरे ओवर्स नहीं मिलेंगे, आप सोचोगे कि चार ओवर्स कर जाएंगे। आमिर यामिन भी सेम चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि बैटिंग कर लेते हैं, 8 मैच 12 का एवरेज 4 विकेट, हेड टू हेड में देखोगे 6 मैच में 10 का एवरेज 5 विकेट, तीन ओवर आपको दे सकते हैं, लेकिन उससे इनसे पहले भी कुछ प्लेयर है जिनके आप ओवर्स ऐसे इजीली नहीं कट कर सकते हो जो कि इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 3+1 3 विकेट, 28+1 4+3 2+2, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो कोई कमी नहीं है बट ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे। अगर ओवर नहीं कटते हैं तो अगर कराची की टीम पहले बैटिंग करे आप आमिर यामिन को टीम में ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जेम्स फुलर हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही नहीं है, 2+0 27+0 8+0 11+0, अब इन दोनों में डिफरेंशियस रहेंगे, इन दोनों में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी कि ओवर्स कटेंगे किसके, क्योंकि जेम्स फुलर अगर जेम्स फुलर के ओवर कट रहे हैं तो आप जेम्स फुलर की जगह इसको ट्राई कीजिए, क्यों, क्योंकि ये आपको इनसे ऊपर नंबर पर बैटिंग दे रहे हैं, तो मुझे इन दोनों में से अगर ये है कि इनको दो दो ओवर मिलेंगे तो मैं आपको आमिर यामिन सजेस्ट करूंगा, अगर ये है कि फुलर को चार ओवर मिलेंगे तो फिर मैं फुलर को सजेस्ट करूंगा। इमाद वसीम 17 मैच में 22 का एवरेज 9 विकेट वेन्यू पे, 14 मैच में 19 का एवरेज 5 विकेट हेड टू हेड में, रिसेंट फॉर्म देखोगे अच्छा रहा है इमाद वसीम का, बीपीएल में काफी अच्छा किया है, थोड़े से नीचे आ रहे हैं तो आप सीबीसी के लिए मैं उस कंडीशन में नहीं जाऊंगा, बाकी इमरान ताहिर 9 में 13 8 में 9 ये पीएसएल में अच्छा करते हैं, यहां पे रिसेंट फॉर्म देखोगे 5 में 2 मैच में इनको विकेट मिली है, अदरवाइज थोड़े से विकेटलेस रहे हैं, लेकिन आप इनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हो। मोहम्मद आमिर 13 मैच में 9 विकेट,
हेड टू हेड में 15 में 17 है। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो कोई भी एक ऐसा मैच नहीं रहा जहां पे इन्होंने विकेट नहीं निकाली हो, तो क्या मतलब कि मुझे लगता है मोहम्मद आमिर को आप फिर अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, लेके जाएंगे अपनी टीम में। एंड्रयू टाय है हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं है, यहां पे देखोगे लास्ट के 5 मैच में अच्छी खासी गेंदबाजी की है, डेथ में आ सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान में रखिएगा, ये है एशिया की वेन्यू, ध्यान में रखिएगा, ये बिग बैस में अच्छा कर लेते हैं लेकिन एशिया में ये ऐसे प्लेयर है जिनकी पिटाई हो सकती है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। अगर चांस लेना चाहो ड्रॉप करने का तो उस कंडीशन में आप ले सकते हो। बाकी मीर हमजा है, जेम्स विंस है, उसके अलावा देखोगे तो तबरेज शमशी को ऐड किया गया है, अगर खेले तो ध्यान में रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं बैन कटिंग, मुशान खान, टीम मैंने कैसी बनाई है, टीम मैंने कुछ इस तरीके से बनाई कि मैंने मैथ्यू वेड और मोहम्मद हारिस को अपनी टीम में लिया, यहां पे बाबर आजम, शोएब मलिक और कोहलार कैडमोर को लिया, इमाद वसीम लिया, जेम्स फुलर। अब जेम्स फुलर की जगह आप है वो आमिर यामिन, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आमिर यामिन आप ऐड कर सकते हो इनकी जगह पे, क्योंकि ऊपर नंबर्स हैं और अगर ये पहले बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में आप आमिर यामिन के साथ जा सकते हो। मोहम्मद आमिर, एंड्रयू टाय, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, ये प्लेयर्स कुछ इस तरीके से मैंने टीम बनाई है, बाकी इसमें कुछ पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।